कुदरत में हर जीव जिंदा रहने की जिद्दोजहद में अपने आप को खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है और उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये सांप। ये है कॉमन वुल्फ स्नेक, जिसने क्रमिक विकास के दौरान अपने रंग को और पैटर्न को बिल्कुल किसी कॉमन क्रेट की तरह विकसित किया है। दिक्कत यह है कि इस वजह से कई मर्तबा लोग इसे खतरनाक क्रेट समझकर मार देते हैं, लेकिन क्रेट्स के विपरीत वुल्फ स्नेक जहरहीन होते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह सांप आपको तब भी डस सकता है? आजमा कर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी उंगली इसके नाक के आसपास जाने के बावजूद भी ये सांप मुझे डसने में किसी तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये होता है कि वुल्फ स्नेक्स को इंसानों को डसने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जंगली जानवरों का नाम सुनते ही हमारे जहन में खूंखार और खतरनाक जीवों की छवि आती है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ है और वही जताने के लिए मैं निकला हूँ एक ऐसे सफर पर जिसके अंत तक शायद आपके नजरिए में भी परिवर्तन आ जाए। बहरहाल, मेरे इस सफर का पहला पड़ाव है जवाहर। अपनी ऐतिहासिक विरासत और बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर ये शहर मुंबई से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ मैं मुलाकात करूँगा गणेश बोराडे से, जो पिछले 20 सालों से जंगली जीवों के संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय है और आज किस्मत से मुझे उनके साथ एक रेस्क्यू करने का मौका मिला है। गणेश को कॉल पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक तबेले के अंदर बड़ा सांप देखा गया था। यहाँ पर तो पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा है। और लोग सांपों जैसे जंगली जीवों को अपने पालतू पशुओं के अनकरीब देखना पसंद नहीं करते। गणेश के मुताबिक ये शहर पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा है, लिहाजा यहाँ आए दिन लोगों का जंगली जीवों से सामना होता है, जिनमें से सांप सबसे आम है। यहाँ एक दर्जन से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियाँ पनपती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर जहरहीन है। फिर भी रेस्क्यू में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इसे देख रहे हैं आप, ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, ये सांप जहरीला होता है। अब इसे बाहर लेकर जाएंगे? बाहर ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है तो मेरे ख्याल से बाहर जाना ही बेहतर होगा। ये जो सांप है ये कॉमनली इस इलाके में पाया जाता है और अधिकांश बार जो सर्पदंश की घटनाएं होती है वो स्पेक्टेकल कोबरा के साथ ही होती है, क्योंकि ये सांप इंसानी बस्ती के आसपास रहना पसंद करता है और उसका एक मुख्य कारण है चूहे। लोकल एरिया है इसीलिए इधर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इस सांप की वजह से, उनकी अंधश्रद्धा ज़्यादा है इधर। अभी इसको बता देंगे, ठीक है, बैग में पकड़ो या आपके हाथ में पकड़ो, पकड़ो वैसे तो सांपों को रेस्क्यू करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे जहरीले सांप के लिए स्टिक और बैग का ये तरीका सबसे कारगर है। मुझे खुशी है कि इस रेस्क्यू में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये रेस्क्यू तब तक अधूरा है जब तक ये कोबरा उसकी सही जगह पर नहीं पहुंच जाता, यानी इंसानी बस्ती से दूर जंगल में। और मुझे खुशी है कि ये मौका मुझे दिया गया। दुनिया इसे स्पेक्टेकल कोबरा के नाम से जानती है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नामों से प्रचलित है। ये है अविवादित रूप से भारत के सबसे लोकप्रिय सांपों में से एक, नाग। और सच बात बताऊँ तो बचपन से ही मैं इस सांप का खासा दीवाना हूँ, क्योंकि ये सांप इतना खूबसूरत होता है कि इसकी खूबसूरती मुझे हमेशा ही हैरत में डाल देती है। आप इसके फन के पीछे एक हुडमार्क देख रहे हैं, यही वो हुडमार्क है जो इस सांप की असली पहचान है। जब पीछे से कोई जानवर इसे देखता है तो उसे लगता है कि वो दो उसकी आंखें हैं और इसीलिए परभक्षी इसके ऊपर पीछे से हमला नहीं करते। ठीक उसी तरह के दो गोल निशान इसके फन में आगे की तरफ से भी है, हालांकि इसकी आंखें ऊपर की तरफ होती है, लेकिन वो दो काले काले गोल बड़े निशान दूर से देखने पर आँखों का भ्रम निर्माण करते हैं। स्पेक्टेकल कोबरा न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस एक विषैला सांप है, लेकिन अगर इस सांप ने आपको डस लिया और आपने सही वक्त पर सही इलाज ले लिया तो आपकी जान शर्तिया तौर पर बच सकती है। हालांकि इस वक्त ऐसा लग सकता है कि मैं इस सांप के स्ट्राइकिंग जोन के भीतर हूँ, लेकिन सच बात बताऊँ तो मैं इस सांप से सुरक्षित डिस्टेंस पर मौजूद हूँ। आपने देखा ये सांप किस तरह से उस तबेले के अंदर छुपा हुआ था। गलती से भी अगर ये उनके पालतू जीवों को डस लेता तो हो सकता है वो लोग इसे मारने का निर्णय करते, लेकिन
अगर आपके पास भी ऐसा कोई सांप या कोई भी जंगली जानवर आ जाता है तो उसे मारने के बजाय बेहतर यही होगा कि आप अपने इलाके के वन विभाग से संपर्क करें, क्योंकि भारत के सभी जंगली जानवरों को कानूनी संरक्षण दिया है, यानी कि उन्हें मारना कानूनन अपराध है। और ये निर्णय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन जानवरों का इस पूरी इकोसिस्टम में एक अहम रोल होता है और इसी भूमिका की वजह से ये इकोसिस्टम अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है। ये सांप वाकई में खूबसूरत है और प्रकृति की एक नायाब देन है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा को वैसे तो चूहे खाना पसंद है, लेकिन इस सांप की खासियत यह है कि चूहों के अलावा ये दूसरे सांपों को भी खा जाता है, और उसमें सबसे मुख्य रैट स्नेक इसका लजीज व्यंजन है। आप देख रहे हैं किस तरह से अब इसे लग रहा है कि इसे मुझसे कोई खतरा नहीं, तो ये नीचे झुक कर अब यहाँ से जाने का फैसला कर चुका है। मुझे इन सांपों की यही चीज़ बहुत पसंद है। ज़रा देखिए तो ये कितनी खूबसूरती से रेंगते हुए जा रहा है वहाँ पर। वाह, ऐसा नज़ारा हर बार देखने नहीं मिलता। उम्मीद है कि ये कोबरा यहाँ महफूज रहेगा, और मुझे खुशी है कि मेरा जव्वार में आना सार्थक हुआ। जव्वार आज भी उन गिने चुने इलाकों में से है जहाँ जंगल भी है और जानवर भी, और जब तक यहाँ गणेश जैसे लोग रहेंगे तब तक संरक्षण भी रहेगा।